नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत मौसम विभाग ने जब से पीओके के मौसम का पूर्वानुमान बताना जारी किया, पाकिस्तान का मौसम बिगड़ गया है। पाक के हुक्मरानों को आभास होने लगा है कि पीओके कभी भी उनके हाथ से निकल सकता है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने अपना पूरा ध्यान इस इलाके को बचाने पर केंद्रित कर दिया है। उसने इस अभियान के तहत तरह तरह के हथकंडे रचने भी शुरू कर दिए हैं। पहले उसने पाकिस्तान रेडियो से लद्दाख का उल्टा सीधा तापमान बताया, अब उसने चीन के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठा दिया है। पाकिस्तान ने आनन फानन में चीनी कंपनी के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध बनाने के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अनुबंध 442 अरब रुपए का है, जिसे चीन की सरकारी कंपनी पाक फौज के साथ मिलकर तैयार करेगी। पाकिस्तान द्वारा यह हरकत करते ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाक को साफ चेता दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं शुरू करना सही नहीं है, पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से बचना होगा। उन्होंने इशारों में कहा है कि यह कदम पाक की सेहत के लिए नुकसानदायक होने वाला है। पाक की इन हरकतों के मद्देनजर मोदी सरकार पर पीओके को वापस लेने का दबाव भी बढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर भारत ने जल्दी से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो चीन पीओके पर हावी हो जाएगा, जिसके बाद भारत के लिए इस इलाके को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। खास बात यह है कि चीन पहले से ही गिलगिट में चाइना पाक आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है, जिस पर भारत कई बार अपना विरोध जता चुका है। कहा जा रहा है कि पीओके के भारत में विलय पर रणनीति बनाने का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया गया है। डोभाल चीन के मामलों को भी देख रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है कि एनएसए डोभाल खुद इस मामले से जुड़े हैं। पाकिस्तान के साथ पीओके में भी उनका बड़ा नेटवर्क है, जहां डोभाल स्थानीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। संभवतः भारत की आक्रामकता का जवाब चीन की पीओके में एंट्री से पाकिस्तान ने देने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने जानबूझकर बांध का समझौता चीन की सरकारी कंपनी के साथ किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे चीन की मदद मिल सके। परंतु मामला यहां तक नहीं है। मदरसे के मुल्लाओं को जिस तरह माइनस में गिनती लिखनी नहीं आती, उसी तरह उनकी समझ में भारत की रणनीति नहीं आएगी। मोदी सरकार पीओके पर सीधा हमले करने की नीति को अंतिम विकल्प मानकर नहीं चल रही है। भारत सबसे पहले पीओके के स्थानीय लोगों के रुझानों पर काम कर रहा है। इलाके के लोग पाक फौज और पाक की कठपुतली सरकार के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं, जिसके बाद लोग उसके खिलाफ न सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं बल्कि आजादी के नारे भी लगा रहे हैं। भारत के लिए यही एक प्लस पॉइंट है, जिसका फायदा उठाने के लिए भारत कदम बढ़ा चुका है। संभव है कि भारत सरकार इन आंदोलनकारियों को मौखिक और आर्थिक समर्थन भी मुहैया कराए। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो भारत बिना लड़े ही पाकिस्तान से आधी जंग जीत लेगा। डोभाल इस मामले के मजे खिलाड़ी हैं, इसलिए उनके लिए इस मिशन को सफलता तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पीओके से जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे ऐसा साबित भी होता है। संभवतः पाकिस्तान भी यह समझ रहा है। पश्तून नेता की मौत और स्थानीय लोगों पर तेजी से बढ़ते सेना के अत्याचार उसकी गवाही भी देते हैं, यानी पीओके में भारत का प्रोक्स अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है। दरअसल सहमत के इस खेल की शुरुआत पाकिस्तान ने अपने सुप्रीम कोर्ट से गिलगिट में चुनाव की घंटी बजवाकर की है। भारत ने जवाब में यहां के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया तो पाक रेडियो लद्दाख का मौसम बताने लगा। अब चीन की सरकारी कंपनी के साथ गिलगिट में बांध का अनुबंध हुआ तो भारत की तरफ से भी अगला जवाब जल्दी पहुंचेगा। माना जा रहा है कि भारत इस बार अपने इस इलाके के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा कर सकता है। इन छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित भी किया जा सकता है। इसके अलावा पीओके के नागरिकों को भारत में हर तरह की बीमारी के मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। भारत सरकार को लगता है कि इस तरह के भावनात्मक निर्णय पीओके के लोगों को भारत के ज्यादा करीब ला सकते हैं। पीओके के वे बड़े नेता जो पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर विदेशों में बस गए हैं, उनकी लोकसभा में एंट्री भी कराई जा सकती है। लेकिन यह मौका उन्हीं नेताओं को मिलेगा जो भारत समर्थक होने के साथ साथ उनका अपने इलाके में अच्छा खासा जनाधार भी मौजूद हो। इनमें ऐसे एक नेता सेंगे एच शेरिंग है, जो बौद्ध होने के साथ साथ पाकिस्तान के कटु आलोचक और भारत के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता पत्रकार आरिफ पजाकिया, शौकत अली, साबिर अली और पश्तूनों के नेताओं को आमंत्रण मिल सकता है। इन जैसे बहुत से कश्मीरी सदैव पाक का सिरदर्द बढ़ाते रहे हैं, साथ ही भारत की खुलकर तरफदारी भी करते रहे हैं।
यह नेता और पत्रकार भारत के मिशन को पीओके में सफलता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं या फिर निभा भी रहे हैं। भारत भी इन्हें पारितोषिक देने से शायद ही परहेज कर पाएगा। ऐसे में अजीत डोभाल अपना हर कदम चतुराई के साथ मजबूती से उठा रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कितने भी हथकंडे अपना ले, वह भारत के जवाब में जो भी कदम उठाएगा भारत के चक्रव्यूह में फंसता ही जाएगा। यह कहने में तो अतिशोक्ति भी नहीं होगी कि अब मदरसा मुल्क जाल में फंस चुका है, जिसके नतीजे जल्दी ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।